बड़वानी जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते तीज त्योहार वाले दिनों में 1 से 3 अगस्त तक पूरी तरह लॉकडाउन लगाया गया है। आज लॉकडाउन के पहले दिन जहां बाजार पूरी तरह बंद नजर आए, वहीं लोगों की आवाजाही भी कम देखने को मिली। जिले में घोषित लॉकडाउन के पहले दिन जिला मुख्यालय पूरी तरह बंद नजर आया और बाजार में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर के झंडा चौक, कारंजा बस स्टैंड सहित कचहरी रोड क्षेत्र के सभी दुकानें पूरी तरह बंद थी। वहीं प्रमुख चौराहे होने के बावजूद यहां पर लोगों की आवाजाही बहुत ही कम थी। शहर में जगह जगह पुलिस और प्रशासन की टीम मुस्तैद नजर आई। बहुत कम लोग आवाजाही कर रहे थे। वहीं पुलिस और प्रशासन द्वारा बेवजह घूम रहे लोगों को वापस भेजने के साथ ही बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के चालान भी काटे गए। पुलिस और प्रशासन द्वारा नगर में पेट्रोलिंग की गई और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। बड़वानी से अतुल कमाऊत की रिपोर्ट। ये देखिए, शासन के निर्देश है कि 1, 2 और 3 के लिए पूरा बड़वानी में लॉकडाउन है और उसी के तहत बड़वानी पुलिस अधीक्षक महोदय के भी स्पष्ट निर्देश है कि लॉकडाउन का पूरा पालन कराया जाए और उसके तहत पूरे शहर में करीब 10 जगह फिक्स पिकेट लगे हैं और हर प्रमुख चौराहे पर चेकिंग की जा रही है और जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा रही है और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। और ये लॉकडाउन 3 दिन की व्यवस्था है और 24 घंटे इसमें पुलिस बल तैनात रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।